बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड द किचन में आज है हम आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ, और ये रेसिपी है गोलगप्पे, जो कि है सबकी फेवरेट। गोलगप्पे की तैयारी के लिए पहले हम तैयार करेंगे पानी। पानी तैयार करने के लिए हम लेंगे आधा लीटर पानी। इसके साथ हम लेंगे भिगोई हुई इमली का पल्प निकाला है, इसके अंदर 2 लीमू का रस शामिल करेंगे आधा लीटर पानी में। इसके साथ हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच नमक। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधी चाय की चम्मच अजवाइन। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ बारीक पुदीना, और इसके साथ है ये हमारे पास लीमू के स्लाइसेस। सब अज्जा को शामिल करने के बाद हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से खट्टा सा पानी तैयार हो जाए, यानी गोलगप्पे की तैयारी के लिए पानी को पहले से तैयार करके रखेंगे। जी, तो अब हम अपने गोलगप्पे की तैयारी कर लेते हैं। गोलगप्पे के लिए हमें चाहिए आलू बॉयल किए हुए, फुल्कियां बॉयल की हुई, और साथ में सफेद चने बॉयल किए हुए। तीनों चीजों को आप पहले से बॉयल करके रख लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए मीठी चटनी, खट्टी चटनी, दही, और साथ में प्याज, बंद गोभी, टमाटर और सब्ज मिर्च। इन सब चीजों को बारीक बारीक काट लें। आलू मैंने लिए हैं, मेरे पास है 3 कप के करीब, यानी आधा किलो हम आलू लेंगे, इनको बॉईल कर लेंगे। 2 कप के करीब ये फुल्कियां हैं जिनको मैंने गर्म पानी में बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 कप भर के बॉईल किए हुए सफेद चने। अब हम शामिल करेंगे टमाटर, कटे हुए हैं मेरे पास 2 मीडियम साइज के, बारीक बारीक से आप काट लें। साथ में 4 हरी मिर्च हैं, ये भी आप फाइन सी कटिंग कर लें इनकी। इसके साथ हम लेंगे प्याज 2 मीडियम साइज के, इनको भी अच्छे तरीके से बारीक बारीक सा काट लें। सब्जियों को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हम शामिल करेंगे बंद गोभी, ये मैंने ली है 1/2 कप के करीब। इन सब अज्जा को शामिल करने के बाद हम अब इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। मसाला जात में सिर्फ मैं नमक शामिल करूंगी और चाट मसाला। नमक मैंने शामिल किया 1 टेबल स्पून और चाट मसाला भी 1 टेबल स्पून। नमक कम इसलिए शामिल किया है क्योंकि बॉइल करते हुए चीजें मैंने सब चीजों में थोड़ा थोड़ा नमक शामिल कर लिया था। आप अपने जायके के हिसाब से नमक और चाट मसाले को कम ज्यादा कर सकते हैं। सब अज्जा को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। सब चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे खाली गोलगप्पे की पुड़ियां और इसमें हम फिलिंग डाल देंगे। ये देखें, अब मैंने 2-3 गोलगप्पों को तैयार किया है। ये तो सभी को आता है लेकिन जस्ट असेंबलिंग के लिए आपको बता रही हूँ। गोलगप्पे बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे, इसके ऊपर चटनियां वगैरह डाल के इसे फाइनल टच देंगे। किस्से की चटनी मैं सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप इसे मेरे चैनल पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे फेटा हुआ दही है ये मेरे पास, ये हम इन सब के ऊपर लगाएंगे। ये चटनियाँ, ये दही वगैरह, ये सब ऑप्शनल है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे इमली की खट्टी चटनी, ये भी मैं आपको अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल को खोलें और वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चुकंदर, जो कि बारीक बारीक सा कटा हुआ है। ये सिर्फ ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं इस्तेमाल करें। उसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ये मेरे पास कुछ सेव है,
ये भी थोड़ी सी हम डालें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सेव के साथ इसका अपना ही टेस्ट है। ले तो हमारी प्लेट गोलगप्पों की बिल्कुल तैयार हो चुकी है, साथ में हमने चटनी सर्व की है, मीठी, खट्टी और खट्टा पानी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये तो सबकी फेवरेट है। और इसे ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।